के लिए एक हैं, एक रहेंगे और फिर धीरे धीरे चले चले बाजू से बाजू मिलाकर कदम से कदम मिला गांव गांव में, घर घर में, हर परिवार के बीच, हर व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति के बीच जो बिहार सरकार का कार्यक्रम के बाद खाना कैसे पकाया जा रहा है और जितनी भी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है मधेपुरा के जमीन बनाए जिला कृषि विभाग से ये तैयार है। आप देख रहे हैं खेत में पानी छिड़क के कैसे उन्हें पूरे ऑक्सीजन मिले और वो फसल तैयार हो, वो यंत्र के द्वारा दिखाया जा रहा है। हम ध्यान आकर्षित करते हैं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भूकंप सुरक्षा भूकंप से प्रसार गांव गांव तक किया जा रहा है। आप देख रहे हैं आपदा प्रबंधन के तहत अग्नि सेवा आपके जिला के पुलिस अधीक्षक महोदय, सिंहसर विधानसभा के माननीय विधायक, जिला परिषद के मुखिया, चेयरमैन, एडीएम साहब, एडीएम पीजीआरओ, एडीसी साहब, डिस्ट्रिक्ट सेटलमेंट ऑफिसर, अन्य अधिकारीगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, कर्मी, मीडिया के प्रतिनिधि हैं, प्यारे मधेपुरा वासी, आज राष्ट्र अपना चौथा गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है। इस पुनीत अवसर पर जिले के बीएन मंडल स्टेडियम में झंडोत्तोलन करते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है, गर्व का अनुभव हो रहा है। सबसे पहले इस धरती को सुशोभित करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों को मैं नमन करता हूं। हमारे मुख्य स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने राष्ट्र को नेतृत्व दिया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय इत्यादि, मैं सभी को नमन करता हूं। इस धरा पे, मधेपुरा के जमीन पे जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया और आज हम जो हैं उनकी वजह से है। मधेपुरा जिला के श्री भूपेंद्र नारायण मंडल जी, श्री शिवनंदन प्रसाद मंडल जी, श्री कमलेश्वरी प्रसाद मंडल जी, शहीद वाजा साहब, शहीद चुलिया यादव इत्यादि महान विभूतियों को भी मैं करबद्ध हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। हम सब लोग गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको याद दिला दूं, आज ही के दिन 26 जनवरी 1930 रावी तक नदी के तट पर पंडित नेहरू के अध्यक्षता में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तब संपूर्ण राज्य संपूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया। उसी को कमोमरेट करने के लिए
उसी की याद में 26 तारीख को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस दिन जो सबसे बड़ी घटना हुई वो ये हुई कि सारे राष्ट्र ने, सारे लोगों ने मिलकर, सारे लोगों आपने और हम सब लोगों ने मिलकर अपने आप को एक संविधान समर्पित किया, एक संविधान समर्पित किया जिस संविधान की नींव थी आज़ादी, बराबरी, न्याय और समरसता, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। इन चार पायदानों पर एक संविधान का निर्माण हुआ और हम लोगों ने अपने आप को संविधान समर्पित किया। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग संप्रभु राज्य रहेंगे, हम लोग अपने निर्णय स्वयं लेंगे और ये निर्णय लेने की जो आज़ादी है इसको अपने प्राणों से भी बलिदान देकर इस आज़ादी की रक्षा करेंगे। तो आज रिपब्लिक डे जब हम मनाते हैं तो उस चीज को याद करते हैं कि हम किस मुकाम पर चले थे, क्या हमारे लक्ष्य थे और कहां हम पहुंचे। संविधान कोई मृत डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई कागज नहीं है, किताब नहीं है, वो रोज हमें पलता है, बड़ा होता है। अगर हम आज़ादी की बात परिवार में करते हैं, समाज में करते हैं, राजनीति में करते हैं, राष्ट्र के स्तर पर करते हैं, हमारा संविधान और मजबूत होता जाता है, हमारे व्यवहारों में वो और मजबूत होता जाता है। अगर हम बराबरी की बात करते हैं, किसी संप्रदाय, समुदाय, जाति, धर्म, लिंग, इनके आधार पर हम भेदभाव न करके जब बराबरी की बात करते हैं तब संविधान और मजबूत होता जाता है। जब हम बंधुत्व की बात करते हैं, जब हम न्याय की बात करते हैं, तो ये चार पायदानों का मेरा संविधान चलता है और ये मजबूत होता जाता है। हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को यह संविधान अपने आप को समर्पित किया था और ये निर्णय लिया था, ये तय किया था कि हम इन सिद्धांतों पर चलेंगे और हमारी जो संप्रभुता है उसके रक्षा करेंगे। दोस्तों, मैं इससे पहले कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिपोर्ट कार्ड है उसी को देने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ।